पंजाब के राज्यपाल ने कुछ दिनों पहले ही पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान से उनके कार्यकाल में किए गए कर्ज का हिसाब मांगा था, जिसका जवाब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विस्तार से दिया है। साथ ही सीएम भगवंत मान ने राज्यपाल को एक सवाल भी पूछा कि क्या वो है सवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पिछले 18 महीने के दौरान पंजाब सरकार के खर्च किए गए एक एक पैसे का हिसाब पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को सौंप दिया है। सीएम भगवंत सिंह मान ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की चिट्ठी का जवाब देते हुए एक एक पैसे का ब्यौरा चिट्ठी लिखकर राज्यपाल को दे दिया है। राज्यपाल को लिखे पत्र में सीएम भगवंत सिंह मान ने राज्यपाल को बताया है कि पंजाब की मौजूदा सरकार ने 27,016 करोड़ रुपए की बड़ी राशि ब्याज की अदायगी के रूप में की है, जबकि सरकार ने 10,208 करोड़ रुपए पूंजी खर्च के तौर पर इस्तेमाल किए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की तरफ से लिखे गए पत्र में सरकार ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को जानकारी दी है कि 18 महीने पहले जब उन्होंने पंजाब में मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की कमान संभाली थी, तब पिछली सरकारों की तरफ से राज्य को विरासत में कर्जे की भारी गठरी मिली थी, जिसके चलते उनकी सरकार को कई सरकारी संस्थाओं को कर्जे से निकालने के लिए भी भारी रकम खर्च करनी पड़ी, जिसमें पनसप को कर्जे से निकालने के लिए 350 करोड़ रुपए, PSCADB को कर्जे से निकालने के लिए 798 करोड़ रुपए और RDF के लिए 845 करोड़ रुपए सरकार को खर्च करने पड़े। सीएम ने राज्यपाल को यह ब्यौरा भी सौंपा है कि पंजाब ने बिजली के सब्सिडी के रूप में साल 2017 से 2022 तक के बकाए वापस करने के लिए भी 2,556 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि कर्ज के बोझ को कम करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जानकारी दी है कि पंजाब सरकार ने राज्य के सिंकिंग फंड यानी कर्ज उतारने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आय के निवेश के तौर पर 4,000 करोड़ रुपए जमा किए हैं। राज्यपाल को लिखे पत्र में सीएम भगवंत सिंह मान ने गन्ना किसानों को चुकाए गए बकाया भुगतान की भी पूरी जानकारी दी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्यपाल को जवाबी चिट्ठी में जानकारी दी है कि पंजाब सरकार ने किसानों के गन्ने के बकाए के तौर पर 1,008 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जबकि केंद्रीय स्पॉन्सर स्कीम्स की अनदायगी और ऐसे अन्य केंद्रीय स्कीमों में 1,750 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सीएम भगवंत सिंह मान ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को लिखे गए खत में 48,530 करोड़ रुपए का पूरा विवरण देते हुए बताया कि पंजाब सरकार ने राज्य की तरक्की और लोगों की भलाई के लिए 48,530 करोड़ रुपए का प्रयोग बेहद सावधानी और बुद्धिमत्ता से किया है। आपको बता दें कि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अभी कुछ दिनों पहले ही सीएम भगवंत सिंह मान से उनके 18 महीनों के कार्यकाल में लिए गए कर्ज का हिसाब मांगा था, जिस पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पटियाला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि उनके पास एक एक पैसे का हिसाब मौजूद है, जो बहुत जल्द पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को सौंप दिया जाएगा। कर्जा ले लिया, कितों कर्जा ले लिया, अज तो उन्होंने कर्जे मोड़ी जाने, अज तो उन्होंने कंडे जेडे बीजे हुए ने वो चुगी जाने, जेड़ा 50,000 करोड़ का कर्जा कहते ने कल नू जवाब दे देना सी गवर्नर नू, उन्हें कहा कितने पैसे खर्चे है, हालांकि उन्हें पहला आने तो नहीं पूछा कि एक एक लाख रुपये करोड़ का कर्जा ले लिया, डेढ़ डेढ़ लाख करोड़ का कर्जा ले लिया, भी कितों लिया तो कितने खर्चा, पहला आने नहीं पूछा, सानू पूछा, साढ़े को जवाब हैगा। अपने कहे के मुताबिक मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के मांगे गए पैसों का पूरा हिसाब तो दे दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को भेजे गए जवाब में ये भी कहा है कि पंजाब सरकार ने पंजाब में टैक्स की वसूली बढ़ाने के लिए भी बड़े यत्न किए हैं। सीएम ने आंकड़ों का हवाला देते हुए जानकारी दी है कि उनके कार्यकाल के दौरान पंजाब में GST की वसूली में 16.6% का विस्तार हुआ है, जबकि इसी तरह एक्साइज, वाहनों पर लगने वाला टैक्स, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रीज की वसूली में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिसमें एक्साइज की वसूली में 37%, वाहनों पर टैक्स की वसूली में 13% और स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्री की वसूली में 28% का इजाफा होने की जानकारी है। सीएम ने खर्चे के बारे में जानकारी मांगने के लिए चिट्ठी में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित का दिल से धन्यवाद भी किया और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 1 अप्रैल 2022 से 31 अगस्त 2023 तक राज्य के कर्ज में 47,107.6 करोड़ रुपए का विस्तार हुआ है, जिसमें न सिर्फ बाजारी कर्जा शामिल है बल्कि नाबार्ड, बाहरी सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट, भारत सरकार की तरफ से मंजूर किए गए कर्ज और भारत सरकार की तरफ से मंजूर की गई पूंजी संपत्तियों के सृजन करने के लिए विशेष सहायता के अंतर्गत लंबे समय के कर्जे भी शामिल है। वहीं सीएम ने पिछले सरकारों से विरासत में मिले भारी कर्ज के ब्याज के तौर पर भुगतान किए गए 27,016 करोड़ रुपए की बड़ी रकम को लेकर भी दुख जताया है। साथ ही उन्होंने पत्र में राज्यपाल को ये भी लिखा है कि उन्हें इस बात का यकीन है कि उनके खर्चे के जवाब से अब राज्यपाल प्रधानमंत्री को ये यकीन दिलाने की स्थिति में होंगे कि पंजाब सरकार ने न सिर्फ लिए गए कर्ज का सही ढंग से इस्तेमाल किया है, बल्कि राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए भी हर संभव प्रयास किया है।
वहीं आखिर में सीएम ने पंजाब के राज्यपाल से ये भी अपील की कि वह प्रधानमंत्री को राज्य का रोका गया ग्रामीण विकास फंड यानी आरडीएफ के बकाए को जारी करवाने के लिए मनाए और साथ ही पंजाब को कर्ज लौटाने के लिए कम से कम 5 सालों की मोहलत दिलाए ताकि पंजाब पर पिछली सरकारों की वजह से आए वित्तीय दबाव को तरीके से मैनेज किया जा सके। अमित पांडे, न्यूज 24।